हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे यूनिट वन के इंट्रोडक्शन की कि हमें इस यूनिट वन के अंदर पढ़ना क्या है। यूनिट वन के अंदर बेसिकली हम दो से तीन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं एक ब्रॉडर पिक्चर के अंदर, ठीक है। अगर मैं बात करूं यूनिट वन के अंदर, तो सबसे पहले तो हमें बात करनी है हाईवे प्लानिंग की। हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे? हाईवे प्लानिंग की। और हाईवे प्लानिंग से भी हम पहले समझेंगे कि हाईवे होता क्या है, ठीक है, और हाईवे प्लानिंग की क्या क्या नेसेसिटी है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, प्लस उन वो किन सिद्धांत पे काम कर रहे होते हैं, उसके प्रिंसिपल्स के बारे में भी हम बात करेंगे हाईवे प्लानिंग के अंदर। उसके बाद जब हम बात करें यूनिट वन के अंदर, तो हम एक और चीज के बारे में बात करेंगे जो कि है रोड डेवलपमेंट। रोड डेवलपमेंट की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि क्या हिस्ट्री रही है रोड डेवलपमेंट की। हम पुराने काल से लेके आज तक के समय की जो भी हिस्ट्री रही है रोड डेवलपमेंट की, कैसे रोड का डेवलपमेंट हुआ, क्या जरूरत पड़ी, उनको भी हम कवर करेंगे इस यूनिट के अंदर। फिर तीसरा कि इंडियन हिस्ट्री क्या रही है रोड डेवलपमेंट की, इंडिया का क्या योगदान रहा है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे रोड प्लान्स की। इंडियन हिस्ट्री के बाद रोड प्लान्स की बात करेंगे, कौन कौन से रोड प्लान थे। जैसे कि आपको पता ही होगा नागपुर रोड प्लान है, बॉम्बे रोड प्लान है, लखनऊ रोड प्लान है, और अलग अलग रोड प्लान्स के अंदर हमने अलग अलग चीज़ें देखी, अलग अलग डेवलपमेंट देखे। उसके बाद रोड का क्लासिफिकेशन ये भी कवर करेंगे हम इसके यूनिट के अंदर। फिर कौन कौन से मेथड हैं जो कि रोड की क्लासिफाई करने में मदद आता है, उनके बारे में बात करेंगे। फिर उसी रोड के एनुअल कॉस्ट के बारे में बात करेंगे, एनुअल हाईवे कॉस्ट के बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हाईवे तो हम पढ़ रहे हैं बट उसकी एनुअल हाईवे कॉस्ट क्या होगी, क्या रिक्वायरमेंट होती है एक हाईवे के अलाइनमेंट की, क्या रिक्वायरमेंट होती है हाईवे के अलाइनमेंट के, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। प्लस हम कौन कौन से सर्वेस कैरी करते हैं, कौन कौन से सर्वे कैरी करेंगे कि हाईवे की लोकेशन एक अच्छी मिल जाए। फिर हम वही हाईवे अलाइनमेंट की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे, सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है आपका ज्योमेट्रिक डिजाइन। फिर इम्पॉर्टेंट पैरामीटर ज्योमेट्रिक डिजाइन। ज्योमेट्रिक डिजाइन के अंदर भी साइड डिस्टेंस, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, ISD, HSD, सेफ साइड डिस्टेंस, बहुत सारी साइड डिस्टेंस के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम सुपर एलिवेशन के बारे में बात करेंगे, ट्रांजिशन कर्व के बारे में बात करेंगे, एक्स्ट्रा वाइडनिंग के बारे में बात करेंगे, फिर हॉरिजेंटल कर्व की बात करेंगे, और फिर वर्टिकल कर्व की बात करेंगे, और वर्टिकल कर्व के अंदर भी हम ग्रेडियंट को भी देखेंगे, ठीक है। इनके साथ साथ ज्योमेट्रिक डिजाइन के एलिमेंट्स के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो इस तरीके से यूनिट वन अपने आप में ही बहुत लेंदी है, बड़ी है, बट उसको हम बहुत ही इजीली पॉइंट वाइज कवर करते चलेंगे। और आई होप आप लोग मेरी हेल्प भी करेंगे इसको समझने में। और अगले लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करते हैं नेसेसिटी एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ हाईवे प्लानिंग से। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।